करेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले अदरक को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। इसके बाद हमें नाइफ या फिर कटर की मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, या फिर आप चाहें तो अदरक को चूने के पानी में भिगो कर भी सुखा सकते हैं। अदरक के टुकड़ों का साइज आपको जितना बड़ा भी काटना है तो आप काट सकते हैं, या फिर अदरक को डायरेक्टली ग्रेट करके भी आप सुखा सकते हैं। धूप में सुखाने के बाद अदरक बिल्कुल तैयार हो गया है, तो आप देख सकते हैं अदरक बिल्कुल ड्राई है। पहले के अदरक में और सूखने के बाद कितना फर्क आ गया है, तो हम आपको तोड़कर दिखाते हैं अदरक को। अब बनाना है अदरक का पाउडर, तो हमें लेना है मिक्सर जार या आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध है आप उससे भी पाउडर बनाकर के तैयार कर सकते हैं। तो सभी टुकड़ों को जार में डाल देंगे। अदरक के सभी टुकड़ों को जार में डालने के बाद आपको ढक्कन लगा देना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। तैयार है हमारा सॉल्ट पाउडर और इस तरीके से बना हुआ, इसमें किसी भी प्रकार के मिलावट का सवाल ही नहीं है। आप इसे एक दिन के लिए और धूप दिखा दीजिए ताकि जो भी नमी है वो निकल जाए, और फिर करके इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। इसे बारिश के मौसम में या ठंड में आप जैसे भी चाहें उपयोग कर सकते हैं। तैयार है हमारा सॉल्ट पाउडर या फिर अदरक का पाउडर। तो हमारा ये सॉल्ट पाउडर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा,